महाराजगंज नगर पंचायत के किसानों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रखंड कृषि कार्यालय में अधिकारियों के समक्ष अपनी 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने अपने लिखित ज्ञापन में कहा कि महाराजगंज नगर पंचायत में कुल 14 वार्ड है, जिनमें से 10 वार्डों के यहाँ किसान खेती करते हैं। ऐसे में यहाँ किसानों को विभिन्न लाभों से वंचित रखा जा रहा है। इस संबंध में नगर पंचायत के किसानों ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी कार्यालय के अलावे जिला अधिकारी सिवान, जिला कृषि पदाधिकारी सिवान, अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज, प्रखंड विकास पदाधिकारी महाराजगंज, अंचल अधिकारी महाराजगंज, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत महाराजगंज को प्रतिलिपि प्रेषित किया। मौके पर मौजूद पुनीत पुष्कर, संजय सिंह, विपुल सिंह, बिरबल कुमार महतो, राजेश प्रसाद, मिथिलेश कुमार, सुदामा महतो, अभिषेक कुमार इत्यादि लोग मौजूद रहे। कृषि विभाग में आप लोग आज क्या चीज का आवेदन दिए हैं? हम लोग गए थे कृषि विभाग में आज आवेदन देने। आवेदन इस संबंध में था कि धान की फसल डूबने की वजह से बिहार सरकार कृषि इनपुट अनुदान दे रही है, और इस उस सूची में प्रभावित पंचायतों की सूची में महाराजगंज नगर पंचायत नहीं है। और नगर पंचायत में 5 गांव हैं, 5 गांवों में लगभग 14 वार्ड हैं मिला के बना है, पसनौली, सिहौता, कपिया, इनौली, रामापाली। यहाँ काफ़ी ज़्यादा किसान हैं, रैयत गैर रैयत दोनों हैं, हजारों एकड़ से ऊपर की खेती होती है यहाँ पे। लेकिन सिवान नगर परिषद है, बाकी पंचायत हैं, लेकिन महाराजगंज नगर पंचायत उस सूची में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों को कृषि इनपुट अनुदान का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा और भी कुछ समस्याएं हैं यहाँ की महाराजगंज नगर पंचायत क्षेत्र के किसानों की, जिसका जिक्र हमने आवेदन में किया है, और उनको दूर करने के लिए 1 हफ्ते में इनको दूर करने की मांग की है। यहाँ पे महाराजगंज प्रखंड कार्यालय, कृषि कार्यालय में प्रखंड कृषि पदाधिकारी अस्थायी तौर पे नियुक्त नहीं है। दरौंदा के जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं वही महाराजगंज का भी काम देखते हैं, और वो 1-2 हफ्ते में 1-2 बार आते जाते हैं ऐसे। दूसरी बात है कि महाराजगंज नगर पंचायत क्षेत्र के लिए कोई किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक नियुक्त नहीं है, ना ही किसी को लिखित में अस्थायी रूप से उसको प्रभारी बनाया गया है कि वो प्रभार उनको मिला है कि वो इसका काम देखेंगे। जिसका नतीजा ये होता है कि जब भी यहाँ पे कोई बात होती है तो उसका लाभ यहाँ के किसानों को इसलिए नहीं मिल पाता है कि किसान सलाहकार नहीं है, ना वो नुकसान की जांच करने आते हैं, ना सही रिपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। 4 फसल का यहाँ के किसानों ने फसल बीमा कराया और 4 बार नुकसान हुआ है, तय मानक से ज़्यादा नुकसान हुआ है, फिर भी जो है वो फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया। कारण वही कि रिपोर्ट सही नहीं जा पाई। कृषि यंत्रों की खरीद पे या बीज की खरीद पे जो अनुदान सरकार देती है वो यहाँ के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा और 2-3 छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका जिक्र हमने अपने आवेदन में किया है, और हमारी मुलाकात प्रखंड कृषि पदाधिकारी से नहीं हो पाई, लेकिन आवेदन में हमने ये आग्रह किया है कि 1 हफ्ते में इन समस्याओं को दूर करें। अगर दूर नहीं होगा तो इस बार जिस तरह से धान बिल्कुल भी नहीं हुआ है और किसान परेशान हैं, हो सकता है कि इस बार किसान ना माने और धरना प्रदर्शन भी करना पड़े।